नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत चीन के बीच टेंशन का असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। चर्चा है कि ईस्टर्न लद्दाख में अगले 24 घंटे व्यायाम होने वाले हैं। एलएसी के पार चीन की पागल लफंडर आर्मी में देर रात से काफी ज्यादा हलचल बढ़ गई है। चीनी सैनिक आर्टिलरी और बख्तरबंद वाहनों के साथ लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और फिंगर 3 से 9 किलोमीटर दूरी पर अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहे हैं। फिंगर 3 पर भारतीय सेना अपनी पोजीशन पहले ही मजबूत कर चुकी है। इस वक्त इंडियन आर्मी फिंगर 4 पर मौजूद पीएलए से ज्यादा ऊंचाई पर तैनात है। खास बात यह है कि यहां से भारत चीन की 7 से 8 पोस्ट को साफ साफ देख रहा है। सेना बड़ी आसानी से उन्हें नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। विशेषज्ञों की माने तो जंग का बिगुल बजने में अधिक वक्त नहीं बचा है। दोनों तरफ की सेनाएं इसके लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। ले से लद्दाख जाने वाली सड़क पर भारतीय सेना के वाहनों और टैंकों की लंबी कतारें एलएसी की तरफ बढ़ रही है। इस संग्राम की आड़ से दुनिया पूरी तरह चौकन्ना हो गई है। कनाडा ने इसे वर्ल्ड वार की शुरुआत बताया है तो अमेरिका और ब्रिटेन की मीडिया ने भारत का लोहा मानते हुए कहा है कि मोदी के एक्शन से चीन सदमे में आ गया है। यानी इस वक्त भारत के पराक्रम की दुनिया जय जयकार कर रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय सेना की एक्टिविटी एलएसी के साथ एलओसी की तरफ भी हो रही है। एलओसी पर भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की भारी तैनाती बढ़ाई है, जिससे चीन से संघर्ष होने की स्थिति में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का जवाब दिया जा सके। भारतीय सेना जितनी चौकस एलएसी पर है, एलओसी पर भी उसने उतने ही पक्के जाम किए हैं। इसका मतलब साफ है कि चीन से जंग हुई तो पाकिस्तान अपनी मुल्लागिरी का प्रदर्शन जरूर करके दिखाएगा, जिसका जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी कोई भी ढील देना नहीं चाहती है। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे के हाथ से जाने का चीन को सबसे ज्यादा डर सता रहा है। यहां पर चीन बेहद ही मजबूत स्थिति में है। भारतीय सेना दक्षिणी किनारे पर 29-30 अगस्त की रात को पहले ही कब्जा जमा चुकी है। भारत का लक्ष्य है चीन को उत्तरी तट से खदेड़कर वहां अपना अधिपत्य जमाना है। इंडियन आर्मी इसके लिए एक बड़ी तैयारी कर रही है। चीन खुद भी पूरी पेंगोंग झील पर अपना कब्जा करने का ख्वाब देख रहा था, मगर अब बाजी पलटती दिखने लगी है। अगर भारत पेंगोंग के उत्तरी किनारे से पीएलए को खदेड़ने में कामयाब रहा तो भारत पेंगोंग झील को हासिल करके 1962 का इतिहास फिर से पलट देगा। यानी ईस्टर्न लद्दाख का पेंगोंग झील ऐसा इलाका है जो भारत चीन के बीच जंग का खड़ा बनने वाला है। इस इलाके में दोनों तरफ की सेनाएं हुंकार लगा रही है। अगर यह हुंकार जंग में तब्दील हुई तो इस बार चीन को बहुत भारी पड़ने वाला है। भारत की 1962 में चीन से हार की वजह राजनीतिक नेतृत्व और सेना के कई कमांडरों द्वारा अपनी जवाबदेही ठीक से निभाना नहीं माना जाता है। उस वक्त न तो सेना लड़ाई के लिए तैयार थी और न उसके पास कपड़े और हथियार थे। रही सही कसर उस वक्त के मौसम ने भी पूरी कर दी थी। बड़ी बात यह है कि 1962 की जंग में वायुसेना का इस्तेमाल भी नहीं हुआ था। इस बार भारत के पास एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी के रूप में मौजूद है। साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस का पद सर्जित होने से तीनों सेनाओं की कमांड अब अलग अलग हाथों में जाने की बजाय सीडीएस के अंतर्गत आ गई है। एलएसी पर मौजूद सेना लड़ने के लिए तैयार होने के साथ ही ज्यादा आक्रामक भी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया के तमाम बड़े देश भारत के समर्थन में खड़े हैं, जिससे चीन के मुकाबले भारत का पलड़ा कहीं अधिक भारी नजर आता है। ऐसे में चीन के परास्त होने की उम्मीदें भी कहीं ज्यादा है। चीन को भी कहीं ना कहीं अपनी पराजय का एहसास होने लगा है। खासतौर से भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की दोस्ती उसकी हार में बड़ी भूमिका निभा सकती है। दक्षिणी चीन सागर में इतनी बड़ी तैयारी के साथ अमेरिका पहली बार आया है। कहने को तो अमेरिका इसे वियतनाम और ताइवान से जोड़कर बता रहा है, पर वास्तविकता यही है कि वह भारत का साथ देने यहां आया है। चीन को इस बार रूस का साथ भी नहीं मिल रहा है। 4-5 सितंबर को रूसी नेवी इंडियन नेवी के साथ समुद्र में युद्धाभ्यास करने वाली है, जिससे चीन पर और ज्यादा दबाव पड़ने वाला है। मगर चीन को अपनी हार की फिक्र केवल यहीं तक नहीं है। चीन को आशंका है कि अगर भारत के साथ उसका टकराव हुआ तो उसके 14 पड़ोसियों में से 9 देश चीन पर हमला कर सकते हैं और पीएलए जैसी अनुभवी सेना 9 फ्रंट पर युद्ध नहीं कर पाएगी। जबकि इसके मुकाबले चीन मनहूस पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध 2 फ्रंट ही खोल सकता है। वैसे भारत ने चीन को पहले ही समझाया हुआ है कि भारतीय सेना एक साथ 2.5 मोर्चे पर जवाब देने में सक्षम है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान चीन के लिए बेहद ही मनहूस है। जब से उसने पाकिस्तान से ज्यादा नजदीकियां बढ़ाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौते किए, चीन के दिन खराब चल रहे हैं। खासकर चाइना पाक आर्थिक गलियारे के बाद से चीन के प्रति दुनिया में नकारात्मक धारणा बढ़ी है। अगर आज चीन बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है तो इसके पीछे यह मनहूस मुल्ला मुल्क है। 1979 के बाद से अमेरिका और चीन के रिश्ते काफी संतोषजनक हो चुके थे।
मगर जैसे जैसे चीन ने पाकिस्तान के करीब जाना शुरू किया, पाकिस्तानी कारगुजारियों का समर्थन करके चीन ने अपनी छवि को चोट पहुंचाई है। यही वजह है कि दुनिया में मनहूस पाकिस्तान अलग थलग पड़ा तो चीन को भी उसके शराब में भागीदार बनना पड़ा। मजे की बात यह है कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे से काम निकालने की चालबाजियां ज्यादा कर रहे हैं। दोनों देशों की दोस्ती में स्वार्थ प्रकाष्ठा लांग चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गर्त में पहुंचाने का जिम्मेदार अगर चीन है तो पाकिस्तान भी बात बात में उसके आगे झोली फैला रहा है। चीन भारत के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, पर पाकिस्तान सऊदी अरब के 520 करोड़ डॉलर लौटाने हेतु चीन को लगातार उंगली घुसेड़ रहा है। इससे चीन को भी महसूस हो रहा है कि एक भिखारी मुल्क से दोस्ती कितनी पीड़ादायक हो सकती है। मजे की बात यह है कि जिस तरह अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देश भारत के हर कदम की सराहना कर रहे हैं, पाकिस्तान उस तरह से चीन को कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है। पाकिस्तानी क्यों, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देश भी चीन के पक्ष में बोलने से हिचक रहे हैं। पाकिस्तान की मनुष्यत का आलम यह है कि सऊदी अरब ने भी चीन से 10 अरब डॉलर की महत्वपूर्ण डील तोड़ दी है। इस डील के तहत सऊदी अरब की आरामको चीन के साथ मिलकर एक रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी। इससे सऊदी चीन के संबंध तो बिगड़ ही गए, चीन को भारी नुकसान भी हुआ है। यह इसलिए हुआ क्योंकि चीन मनहूस पाकिस्तान को इस्लामिक देशों का अगवा बनाने की कोशिशों में जुटा है। खास बात यह है कि चीन के पाकिस्तान में बढ़ते हस्तक्षेप की वजह से जापान, कनाडा, जर्मनी और दक्षिणी कोरिया जैसे मुल्क पहले ही किनारा कर चुके हैं। इसका मतलब साफ है, जो देश पाकिस्तान के साथ है वही चीन के साथ भी नजर आते हैं। पर चीन को यही चिंता खाई जा रही है कि मनहूस पाकिस्तान उसके समर्थन में कोई बयान क्यों नहीं दे रहा है। दरअसल चीन अगर चालबाज है तो ये मुल्ला मुल्क भी असली टोपीबाज है। मदरसा पैदाइश के नेता मुसीबत के वक्त भी चीन को टोपी पहनाने में लग गए हैं। वे चीन को भारत की तरफ से खतरा दिखाकर उससे हथियारों के बड़े बड़े समझौते करने में लग गए हैं। पाकिस्तान एक साथ दो दांव चल रहा है। वह चीन के साथ होने का ढोंग तो कर ही रहा है, मगर अपने लिए एक ऐसी गली भी बचाकर रखना चाहता है जो पश्चिम देशों की तरफ जाती है। यानी चीन अगर भारत से जंग में परास्त होता है तो वह इस गली के द्वारा पश्चिमी देशों से अपने संबंध सुरक्षित रख सकेगा। चीन अगर ईस्टर्न लद्दाख में फंस चुका है तो पाकिस्तान के लिए पीओके भी बड़ी चिंता है। ऐसी संभावनाएं अब कमजोर पड़ने लगी है कि पाकिस्तान चीन के साथ जंग में कूद सकता है, क्योंकि इस हालत में वह पूरी तरह दुनिया के निशाने पर आ जाएगा। इसका बड़ा नुकसान यही होगा कि वह पीओके को अपने हाथ से गंवा देगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में भारत उस पर हर हाल में अटैक जरूर करेगा और यह अटैक और कहीं नहीं पीओके पर ही किया जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान खामोश है, मगर वह फिर भी अपनी रक्षा तैयारियां मजबूत कर रहा है, पर इसमें रक्षात्मक पक्ष ही ज्यादा नजर आता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।